व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं 370 को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है और कहा है वो टेम्परेरी था, सही था उसको हटाना। तो उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन निकल के आया, वीडियो होगी काफी इंटरेस्टिंग। चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। यानी आर्टिकल 370 हटाने का जो फैसला था वो सही था। ये प्रावधान जो था आर्टिकल 370 ये अस्थाई था, अस्थाई प्रावधान नहीं था। भारतीय अदलिया भी अब मोदी अदलिया बन चुकी है और भारतीय सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ और कानून का कत्ल किया जा रहा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मोदी से वफादारियां सामने आ रही हैं। भारतीय जजेस ने बुनियादी इंसानी हकूक की धज्जियां बिखेर के रखती हैं। और उस फैसले के हिसाब से भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो आर्टिकल 370 हटाया गया था बीजेपी की गवर्नमेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की तरफ से, वो फैसला दुरुस्त है। और एज अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये राइट है कि वो कश्मीर में इस किस्म के चेंजेस कर सकते हैं या 370 को हटा सकते हैं। कर्फ्यू वर्स कुछ नहीं है, ना हड़ताल होता है ना कुछ होता है, ये 7 days खुला रहता है। 70 इंप्लीमेंट हुआ तो आप देख लें तो उसमें आपको ये हैरत होगी कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट ऑन द डेली बेसिस ये स्टेटमेंट देता रहा कि हम 370 को नहीं मानते। यही गिलगित बल्तिस्तान जो कि आजकल पाकिस्तान में है, जिसके लोग आजकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये अगर इंडिया के साथ होता तो मैं तो कहता हूँ ये इंडिया का बहुत एक डेवलप्ड जगह होती। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है। ये कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे मैं देख रही थी सुबह से जो हंगामा मचा हुआ है और एक के बाद एक जो है वो कमेंट्स के लिए लोग आ रहे हैं और उनका कहना ये था कि पूरी एक तरीके से भारत के या भारत के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तानियों को शोर मचाना चाहिए और उनको मदद करनी चाहिए अपने कश्मीरी भाई बहनों की। लोगों ने कहा ये कि ये लगता ये है कि ये शायद फैसला मोदी साहब की डिसीजंस को वैलिडेट करेगा। और सर ये बताइएगा कि ये जो अब बातें हो रही हैं कि तकरीबन 200 से ज़्यादा जो लॉज हैं जो कि कश्मीर के हवाले से सिटीजनशिप राइट्स, लैंड, एम्प्लॉयमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज होती, वो जारी बात है कुछ अमेंड कर दी गई, रिवोक कर ली गई। इसी तरह बाहर के जो लोग थे, फॉरेनर्स जो थे, वो अब उनको वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लैंड उनको अलॉट कर दी जाएगी। और ये जो चीजें हैं, आपको क्या लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी द न्यू नॉर्मल कश्मीर का वो स्टेटस? इस किस्म की स्टेटमेंट्स मुसलसल हमारे टीवी चैनल्स पे चल रही हैं जिससे कि ये साबित होता है कि हम भारत के साथ टर्म्स बेहतर नहीं चाहते। हम उनके मामले में बात कर रहे हैं, हम बार बार नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी ये भी करना चाहिए कि कश्मीर के इशू को लेकर एक बार फिर यूनाइटेड नेशन में जाने की बात की जा रही है, यूनाइटेड नेशन में जाकर हंगामा करने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि वहां पर जाके इस इशू को हाईलाइट किया जाए। पाकिस्तान पहले भी कई बार इस तरह के इश्यूज को हाईलाइट कर चुका है लेकिन हासिल क्या हुआ, शायद कुछ भी नहीं। लेकिन ये जरूर है कि भारत ने जो जिस तरह से डेवलपमेंट का काम किया है कश्मीर में, वहां पर गल्फ कंट्रीज की तरफ से इन्वेस्टमेंट भी आ गई है। ये बात भी सभी लोग जानते हैं कि गल्फ कंट्रीज जो है वो भी भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो फिर ऐसी सूरत में क्या ऐसा होगा कि कोई पाकिस्तान की बात को सुनेगा या उसकी बात को सच मानेगा? ये जरूर एक सोचने की बात है, लेकिन पाकिस्तान में इतना कोई रिवाज है नहीं कि हम इस तरफ को सोचें या इस तरफ देखें। कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे मैं देख रही थी सुबह से जो हंगामा मचा हुआ है और एक के बाद एक जो है वो कमेंट्स के लिए लोग आ रहे हैं और कई एक्सपर्ट्स यानी डिफेंस एक्सपर्ट भी जो अपने आप को कहते हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और मुसलसल नेगेटिव वाइब्स जो है वो भेजी जा रही है। कहा ये जा रहे हैं कि एक्सपर्ट्स ने तो ये तक कहा कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो शायद कश्मीर को भी गजा बना के छोड़ेंगे, अपने इलेक्शंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक दूसरे एक्सपर्ट साहब जो आए हुए थे या फिर पेपर पे थे, आप समझे कि फोन कॉल पे थे, टीवी चैनल जिन्होंने ज्वाइन कर रखा था, उनका ये कहना था कि जी नरेंद्र मोदी जो हैं वो भारत को या फिर इंडिया को जो है हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे। अब हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे का क्या मतलब है, ये बहरहाल मुझे समझ नहीं आई, लेकिन उनका ये कहना था कि वहां पर भारत में जो माइनॉरिटीज हैं उनको खत्म किया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है और इस तरह से नस्ल कुशी की जा रही है, यानी कि उनको सिरे से खत्म किया जा रहा है और जितनी भी माइनॉरिटीज है चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो क्रिश्चियन हो, और इसी किस्म की बातें की जा रही थी। उन साहब का ये भी कहना था कि जी जितने भी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के अंदर हैं, पाकिस्तान के बाहर बैठे हैं,
जो कोई भी है उनको, गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट में नहीं है, सिविलियंस है, जो कोई भी है उनको इस बारे में बात करनी चाहिए, उनको इस बारे में लिखना चाहिए, इसके ऊपर ट्वीट करनी चाहिए। एक उन्होंने, उनका कहना ये था कि पूरी एक तरीके से भारत के या भारत के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तानियों को शोर मचाना चाहिए और उनको मदद करनी चाहिए अपने कश्मीरी भाई बहनों के शोर की। अब ये बातें तो पहले भी होती रही हैं, उसके ऊपर कई डिफरेंट एक्सपर्ट्स जो थे उनको बारी बारी फोन कॉल्स पे लिया जा रहा था, मुझे नहीं लिया, आप तो जानते ही मुझे क्यों नहीं लिया। लेकिन बहरहाल मैं आपको ये बताती चलूं कि ऐसा करने से होगा कुछ नहीं, इससे पहले भी पाकिस्तान ने बहुत बार कोशिश की इस किस्म की मगर कुछ हो नहीं पाया। और अब इनको करना ये होगा कि अगर ये वाकई में चाहते हैं कि कश्मीर का कोई हल निकल आए और कश्मीर के लोग जो हैं वो सुख का सांस लें, ना सिर्फ ये कि उनके अपने इलाके में सुकून रहे बल्कि पाकिस्तान की तरफ से भी जो बार बार एक तरह से बात की जाती है, बार बार झगड़े की बात की जाती है, बार बार कई जंगें हम कर चुके हैं उसमें जी। नवाज शरीफ साहब का भी अभी जब आए हैं तो उनका यही कहना है कि वो भारत के साथ टर्म्स को बेहतर करेंगे। एक तरफ तो ये बात की जा रही है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि वो लोग इंडिया के साथ दोबारा से मिलना चाह रहे हैं। बस मैं तो कहता हूँ कि मिलना भी चाहिए, क्योंकि अगर एक बंदे को इधर, बागी कैसे बनते हैं, बागी तो इसी तरह बनते हैं कि उनको उनका हक नहीं मिलता। अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई मंजूर जो है वो एंटी स्टेट है, या कल को अगर दूसरा मंजूर गिलगित बल्तिस्तान में पैदा हुआ तो तब हम क्या करेंगे, तब वो कहेंगे कि यार वो भी एंटी स्टेट है। एंटी स्टेट तो उस एंटी स्टेट कैसे पैदा होता है, जब किसी बंदे को अपना हक नहीं मिलता तो वो आगे जाके एंटी स्टेट बन जाता है। क्या गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा तस्वीर किया जाता है? या तस्वीर तो बस नक्शे में है, बाकी हम उनको वो डेवलपमेंट्स नहीं दे रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हम उनको दे रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसे हैं, मतलब मैं यही कहूँगा हमारे साथ जो इधर यूनिवर्सिटीज़ में जो दोस्त है वो यही कहते हैं कि हमें बिल्कुल 30% मिल रहा है, उसके अलावा 70% में तो कि यही कहूँगा कि उनको नहीं मिल रहा है। अगर गिलगित बल्तिस्तान इंडिया से अलग ना हुआ होता तो जिस तरह इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है, इंडिया मकबूजा कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है, इंडिया लद्दाख में डेवलपमेंट कर रहा है, तो उसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी डेवलपमेंट होनी थी। मैं तो यही कहूंगा कि पाकिस्तानी तो ये बात भूल जाए कि वो इंडिया तक मुस्तकबिल में कभी पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारे मुल्क के इस टाइम जो हालात है और आप इंडियंस को देख ले तो ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिससे इंडियन हमसे आगे ना हो। आप अगर हर फील्ड में ऐसा फील्ड नहीं है, आप अगर हॉस्पिटलिटी में जाएंगे, टूरिज्म में जाएंगे, उधर अगर आप देख ले तो भाई आपको हर जगह पे इंडियन आगे। भाई सबसे पहली बात ये बढ़िया थी इसकी कि एजुकेटेड था और ढंग की बात करी इस भाई ने। मैं ये कहना चाहता हूँ पहली बात तो इंडिया का पार्ट है कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, और भाई देश में ऐसा नहीं हो सकता ना कि अगर वो पार्ट है देश का, मानते हैं सब मानते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ वहाँ पर वही जमीन खरीद सकते हैं, इंडिया कोई भी खरीद सकता है और डेवलपमेंट ही आएगा। कश्मीर मॉल्स बनेंगे, बहुत डेवलपमेंट होगा, तो उससे फायदा ही फायदा होगा। और आपको पता है बहुत बड़ा मॉल भी बनने जा रहा है। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ कि लोगों को उससे मतलब हाई टाइम पाकिस्तान अपने घर, अपने गिरबान में जाके, अपने घर में जाके और ये देखे जो डेवलपमेंट उसको गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए करना चाहे, खुद के लोगों के लिए करना, वो तो उससे हुआ नहीं, वो कह रहा है आजा तेरे लिए भी कर दूंगा। अरे नहीं करवाना भैया, तेरे से तू जबरदस्ती का लगा हुआ है, अपनी इकोनॉमी तुमसे संभली ना है। ये तो वो हो गया कि खुद के खाने के लाले, डेवलपमेंट करा तो है, इनके पास कटोरी भी नहीं थी, पहले कटोरी ले, कटोरी कटोरा करा, अब वो कटोरा लेके जा रहे हैं जगह। ये डेवलपमेंट नहीं होता, देश की तरक्की होती है और इन्होंने बिल्कुल उस पर ध्यान दिया नहीं है। क्यों? क्योंकि जितनी भी पोस्ट पहुंचे, भाई देखो पाकिस्तान से कोई देख रहा हो बुरा लगता हो बेशक लगे, तुम्हारी जो आर्मी है उनमें जो जिस पोस्ट पे है वो जितना खा सकते हैं वो खा रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होता है या फिर जो इनके पॉलिटिक्स में, तो वो भी खा रहे हैं, वो एक्स्ट्रा भी खा रहे हैं। पॉलिटिक्स भाई किसी भी देश की हो होता है, घपला हर एक चीज़ होती है मेरे हिसाब से, कहीं बड़ी होती है कहीं कम होती है कहीं ज़्यादा। अभी आप देख लो हाल ही में कितने 300 करोड़ 250 करोड़ पकड़े गए अभी इंडिया में भी, तो देखो। लेकिन देश का भला भी करना होता है, वहाँ तो सिर्फ जेब भरी जा रही है और जेब भर के बाहर निकला जा रहा है, वहाँ कुछ नहीं हो रहा। वहाँ पर मुझे लगता है ऑडिशन होते हैं कि तू कितना ज़्यादा खा सकता है, ज़्यादा खा सकता है हमें भी खवाएगा ना, तो तू बन जा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और चुपचाप से उसके बाद तू बाहर निकल जियो, कार्रवाई हम देख लेंगे। बिल्कुल कर रखा उन्होंने ड्रामा, और भाई क्यों शांति से बैठ जाओ, जेएनके के मामले में बिल्कुल इंटरफेयर करो मत। हाँ। यहाँ पर जैसे हर एक स्टेट में कोई भी इंडियन जाके अगर पैसा है रजिस्ट्री करा के प्लॉट ले सकता है, मकान ले सकता है, तो जम्मू एंड कश्मीर भी ले सकता है। और वो इतनी सुंदर जगह है, जितना डेवलप होगी उतनी वहां पर टूरिज्म बढ़ेगा, वहां के लोगों को भी और बढ़ चढ़ कर जो भी रेवेन्यू कमाते हैं जितना पैसा कमाते हैं और ज्यादा कमा पाएंगे, क्योंकि जब
वो टूरिज्म कब बढ़ता है? जब सेफ्टी सिक्योरिटी फील करता है इंसान। हाँ। वही वाली बात है। आपको इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। मिलता है आपसे एक वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।